हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको दाल की पकौड़ी बनाना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। हमने उड़द की दाल ली थी, आधा किलो से भिगो लिया था। फिर उसके बाद हमने उसे मिक्सी में पीस लिया है। इसका पेस्ट ऐसा हो गया है और इसमें हम स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे। गाइस, हमने रक्स पाउडर लिया है, रक्स पाउडर डाल देंगे। आप इसे बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं, रक्स पाउडर भी, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें हमने 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया है और उसे मिला लेंगे। हमने हींग को ऐड कर दिया है। मैं पकौड़ी को सेकूंगा तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाल दिया है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तब मैं उसमें पकौड़ी डाल दूंगा। डालना है हम इसे ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया। गाइस, अभी इसका येलो कलर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जब तक इसका येलो कलर नहीं आ रहा है तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे। इसका येलो कलर आ गया था, हमने इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसा येलो कलर आ जाए, अब इसमें हमने डाल दिया है। मैंने पकौड़ी ली, ये मैंने जो पकौड़ी बन चुकी थी मेरी, मैंने दही लिया, उसमें दही में मिक्स कर लिया है। ये देखिए गाइस, हमने रख लिया है। गाय से हमने बना हुआ जीरा डाल दिया है और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। गाय से हमने सौंठ डाल ली है, ये हमने खट्टी चटनी डाल ली है। देखिए गाय, ये कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने इसके ऊपर लाल मिर्च डाल दी है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए देखिए गाय, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।